हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डॉक्टर श्लोक एमएससी। स्टूडेंट, ये जो वीडियो है मैं उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ जो इस बार नीट 2019 में अपीयर होने जा रहे हैं, साथ ही वो इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। काफ़ी दिनों से मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं स्टूडेंट के, और उनको अब इस समय पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो नीट की तैयारी करें या फिर अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो उन सभी स्टूडेंट से मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके लिए दोनों ही चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आपके लिए बोर्ड का एग्ज़ाम भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए नीट का एग्ज़ाम भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस समय पर क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए इस समय पर है वो है आपका बोर्ड का एग्ज़ाम, क्योंकि जब तक आप बोर्ड का एग्ज़ाम यानी कि 12th जब तक आप पास नहीं करेंगे तब तक आप नीट में भी फिर अपीयर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर 12th का एग्ज़ाम आपके लिए पास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि आप फिर नीट के लिए एकदम छोड़ दें, आप 12th पर ज्यादा ध्यान दें, वो भी नीट भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ये पढ़ना किस तरीके से यहां पर, जिससे कि आपका 12th का एग्जाम भी आपका पास कर लें आप और आप नीट में भी एक अच्छा स्कोर करें। तो देखिए, जो आपका 12th का एग्जाम है वो उसमें आपका पूछा जाएगा केवल और केवल 12th का सिलेबस। तो आप इस समय पर जो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इनमें तीनों ही सब्जेक्ट में आप NCERT को पढ़िए, ठीक है ना। NCERT को पढ़िए और 12th का सिलेबस पढ़िए, और आपकी बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों में ही इस तरीके से पढ़िए, जिससे कि आपको आगे 12th का जो सिलेबस है वो आपको आगे जो समय बचा है नीट में वो आपको फिर से यहाँ पर पढ़ना ना पड़े, ठीक है। इस समय पर उस तरीके से उतने अच्छे तरीके से उसको कर लीजिए जिससे कि आगे केवल और केवल आपका जो भी समय आपका बचता है 12th के एग्ज़ाम के बाद, नीट के लिए जो भी आपका समय बचता है उसमें आप केवल और केवल 11th का सिलेबस जो बचा हुआ है उसको आप करें फिर, ठीक है ना। तो इस समय को उतने अच्छे तरीके से करिए जिससे कि आपका बोर्ड का एग्जाम भी निकल जाए और आपको आगे 12th का जो है सिलेबस वो आपको फिर से नीट के लिए पढ़ना ना पड़े। तो आप इस तरीके से पढ़िए। अब बात आती है कि हम सिलेबस हमारा, तो कुछ स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर जो है स्टेट बोर्ड का सिलेबस अलग है और आपका नीट का जो है सिलेबस वो अलग है। कुछ स्टेट बोर्ड में स्टेट बुक्स चलती हैं, नीट की जो है NCERT नहीं चलती। तो देखिए, कॉन्सेप्ट सबका सेम ही होता है, चाहे वो आपकी NCERT हो या फिर आपकी कोई स्टेट लेवल की कोई भी अदर बुक हो, कॉन्सेप्ट सबका सेम ही होता है। आप मेन उसकी जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो रूट है, उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना, उस पर ध्यान दीजिए, उस तरीके से आप उसको पढ़िए, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और आपके कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हैं तो आपको फिर आगे कहीं भी कुछ भी चीज़ यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। तो अच्छे तरीके से पढ़िए, NCERT को लेकर चलिए। फिजिक्स में डेरिवेशन आते हैं, डेरिवेशन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फंस रहे हैं फिजिक्स में, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि फिजिक्स की तैयारी बोर्ड के लिए कैसे करें। तो देखिए, आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपकी बायो हो, केमिस्ट्री हो या फिर आपकी फिजिक्स हो, आप क्या करिए, जिस भी बोर्ड में आप हैं, चाहे वो आपका CBSE बोर्ड हो या फिर आपका कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो, आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं उनको उठाइए, उनमें देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। किसी भी एग्ज़ाम के बारे में जानने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उनको उठाइए, आपको एक आइडिया मिल जाएगा और आप अच्छे तरीके से, आपको एक रास्ता हो जाएगा आपके पास कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से मुझको पढ़ना है, तो उस तरीके से आप यहाँ पर उसको लेकर चल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिए कि आपके 12th का सिलेबस आपको अब इस तरीके से पढ़ना है कि आगे जो भी आपका समय बचता है उसमें आप फिर 11th का पढ़ें। तो अपने जो बोर्ड एग्जाम के बाद जो भी समय बचेगा आपका, उसमें आप वो पूरा समय 11th को दें और इसको केवल थोड़ा सा टच करें या रिवाइज करें। तो इतने अच्छी तरीके से आपको इस समय पर 12th में ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना है 12th का सिलेबस। उम्मीद करता हूँ आपका कोई भी, जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछे हैं वो सभी के सभी आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपका कोई और सवाल मुझसे होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके तुरंत सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।